उन्होंने अपनी चिड़िया का मैं पानी और बाजरा चेंज किया, बाजरा डाले और पानी चेंज किया दोनों तरफ का। तो अज एक खुशखबरी है, चिप खोली है ते पूरी लाइट ना तीन चार पॉइंट खराब ने ते एदा ठीक होना मुश्किल है। ए फिर जाया ही है जनाब, सारी रात बारिश होनी रही है और देखो तुसी पानी वगैरह खड़ा है। इससे अलावा बादल हुनी भी बने होने और हुनी तो सूरज भी तुलू हो गया इस तरफ होना, हुनी आस्ते आस्ते ऊपर आएगा। तो खैर बड़ा ही अच्छा मौसम हो गया, कल परसों आई थी अंधेरी बड़ी तेज़ और बारिश भी हुई थी, आज फिर बाद बारिश वगैरह हर टाइम कैसे बारिश हो रही थी। रहीम अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या ठीक ठाक? उम्मीद करते हैं तमाम व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो शुरू करना नाज़दा मज़ेदार ब्लॉग, और ब्लॉग शुरू करने से पहले सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक कर देना। जनाब मैं सुबह उठ के कपड़े चेंज किए ने, कपड़े की जेब से निकले ने 50 रुपये, तो पानी वाले भाई जान आ गए तो कुछ खर्चा उत्थे आ गया, तो बाकी जो बचे ने उन्हें मैं चलना वा और कुछ बड़ी लग रही, नाश्ता नहीं कोई नहीं किया और गैस भी बंद हो गई है। अज इतवार है तो घर वाले भी ईजीली रिलैक्स कर रहे हैं, तो खैर हम चल रहे अपने वास्ते एक बिस्किट लैके आने और गुजार कर रहे हैं। मार्केट बंद है बल्कि 9 बजे वाले सुबह सुबह। जनाब अपना फेवरेट बिस्किट है कैफे में, बड़ा पसंद है, अपनी है लिया है, उन्हें चल के खाने, भूख बड़ी लग रही है, आसरा हो जाएगा। जनाब आज ना वर्किंग डे वाली फीलिंग नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा दुकाना बंद ने क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई ने, तो दिन हो गए ने बड़े, तद करके लोग आ रहे हैं ईजी हो गए, तद करके बहुत ज़्यादा इस टाइम दुकाना बंद ने, तकरीबन कुछ ही कुछ खुली हुई ने। खाते हो तो जनाब आओ सब बिस्मिल्ला मिल के खाने हैं और शुरू कर दें अपना दिन कैफे बिस्किट के नाल। खाते हो जनाब तो आओ सब बिस्मिल्ला मिल के खाने हैं जी और दिन शुरू कर दें जी बिस्किट के नाल। बाकी हुई थोड़ी देर तक गैस आएगी, 11 और 11:30 दरमियान आएगी गैस, इंशाल्लाह फिर नाश्ता बनेगा और फिर नाश्ते से बिस्किट खा लो, ब्रेड खा लो, जो मर्जी खा लो, लेकिन जो तक तुम परांठा ही ना खाना, मैं ना खावा तो भाई मेरा तो ज़रा यह नाश्ता नहीं होता तब तक। मैंने बस आज छूट हुई है, नाश्ता सिर्फ चाय और परांठा मिलते मेरा नाश्ता हो जाता है, बाकी है सिर्फ आज ही होता नाश्ता, तो सिर्फ उन्हें आज ही भूख लगी तक करके खा रहे हैं, बाकी फिर गैस आएगी अपना रवायती नाश्ता है चाय और परांठे के खिलाफ, फिर वह नाश्ता करेंगे। जनाब सुबह ही सुबह टीवी लगा के जनाब रीसेंटली अबूजान के दोस्त ਅਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਬਹ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਬੂ ਜਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। जनाब मैं सुबह सुबह कपड़े चेंज किए ने, उसने टोपी वगैरह रखी हुई है, जनाब उन्हें इतने से पुरानी चीज़ पड़े हैं क्योंकि वापस चल रहे हैं कार, पारा पड़ के कार पहुंच गए हैं, उन्हें दरवाज़ा खड़काते हैं और अंदर चलते हैं। ये सब जी ट्रक आके खड़ा हुआ है रेत का, मार्केट जो आ रहा है पिछली तरफों। चिड़िया का मैं पानी और बाजरा चेंज किया, बाजरा डाले और पानी चेंज किया दोनों तरफ का। तो अज एक खुशखबरी, दो तो तीन दिन पहले ना जी छोटे छोटे बच्चे आए ने बाहर कुछ जी चो ना छोटे छोटे ने, तो खैर बाहर आ गए, तो अज जड़ा ना जी उस कुछ जी तो बिल्कुल सामने वाली कुछ जी से यानी कि उन्होंने मछाया, तो छोटा जहा बच्चा आया तो उसकी आवाज़ में कल आई थी रात में, उन्हें मैं देखा छोटा जहा बिल्कुल बेबी है, खैर मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि एक तो कुछ लगी भी ऊपर वाली तरफ है, दूसरा कैमरा कैप्चर भी नहीं करेगा क्योंकि बंदे दे रहा है ना, तो खैर जिससे मोबाइल आएगा फिर मैं तुम्हें दिखावगा। छोटा जहा बच्चा बड़ा छोटे नाल अंडे वगैरह भी है, दो तीन अंडे ने, तो बाकी भी बच्चे नहीं, तो उम्मीद है कि एक तो दो बच्चे और आने। सूरज अपनी हाइट से आ रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही, सूरज की रोशनी जी है ना जी नीचे जा रही है और फ्रिज चल रहा होंगे, तो फ्रिज से जितों पैंती ना रोशनी सूरज की, तो फ्रिज गर्म हो जाता और कूलिंग कम हो जाती है, तो इस करके हूँ ही मैं आया छत और पर्दा कर दिता, कवर स्टैंड पर लगा दिता है ताकि रोशनी नीचे ना जाए। वैसे तो मौसम ठीक सी सुबह टाइम, लेकिन हूँ गर्मी लगनी शुरू हो गई है, तो बाकी पर्दा जोड़ा ना बड़ी मुश्किल ना लगाया क्योंकि वजनी हो गया, बारिश हुई है कल रात, तो बारिश की वजह तो पानी नहीं रहा पर्दे से है और पर्दा बहुत ज़्यादा वजनी हो गया, खैर कोई नहीं अलहमदुल्ला पर्दा फिलहाल लगते गया, तो बाकी है उखड़ ना जाए उस तरफ को मैंने शक है क्योंकि वजन ज़्यादा है, बाकी अल्लाह रजमान अच्छा नहीं कुछ होएगा। उन्हें नीचे चल रहे हैं जी, चाय बन रही है, चाय पीवाएंगे सिलेंडर से चाय बना रहे हैं, लेकिन जोड़ा नाश्ता बनेगा ना वो बनेगा सुई गैस से, जिसमें आएगी गैस 11:30 बजे,
फिलहाल गैस होनी भी बंद है और तुम दस जिसमें गैस बंद हो गई। कई लोग होंगे ना इसमें नाश्ता नहीं करते सुबह टाइम, लेकिन साढ़े घर से मिसाल मौजूद है बुजान कभी होया तो नाश्ता कर लें, नहीं तो सिर्फ चाय, लेकिन अच्छी चीज़ का नाश्ता ना करिए कोई दिन ही नहीं शुरू होता। खैर हूँ साढ़े ग्यारह होंगे गैस आएगी फिर सू नाश्ता मिलेगा, हमें नीचे चल रहे हैं और ना आप चाय बनी जी सिलेंडर से, सिलेंडर से तो गैस है मैं कल पर फिर भरवा के लिया तो हमें चाय जी। जनाब गैस आ गई है और हमें दो अंडे लेके आने जाके मैं सोचा मैं दुकानदार में जाके कहना है कि कहना है दो अंडे दे दो। ऐ रहे जनाब अंडे तो उन्हें बनेगा ऑमलेट टाइप के अंडा, ये अच्छी अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। बस सालन भी है चिकन वाला लेकिन अंडे बनाएंगे उन्हें कंधे सालन नाल मैं खान लगा जी रोटी परांठा बन गया है और चिकन सालन उन्हीं कर लिया अपना उन्हीं। असं जा रहे हैं जी मैं और अब्दुल वहाब जा रहे हैं जी, जालियां वाली स्टिक लेनी है और एक चाबी लेना है तो सामने रही जी सेल उस तक चल रहे हैं उन्हीं और उसको पता कर रहे हैं। वैसे कैंटीन मोड़ तो अभी पता कर रहे हैं लेकिन देख रहे हैं जी मुनासिब मिल जाएगा तो उसको ले लेंगे, नहीं तो फिर कैंसिल मोड़ मेरे नाल इसमें अब्दुल वहाब भी है स्टिक लैंडिया वाला झाड़ू असी लिया जी इस तरफ स्टिक सॉरी जालियां वाली तो उन्हें चल के फूल झाड़ू लेना है और असी कैंची मोड़ तो लवेंगे। झाड़ू इतने सही नहीं है बिल्कुल बरी सकते असी मैचिंग के मामले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते अपने कपड़े के मैच बिल्कुल झाड़ू पहुंचो मैं दूसरे वाला झाड़ू लेके आता हूँ कैंची मोड़ से तो बाकी सड़क सड़क साफ कर दो अब प्लेटफॉर्म निकलवाया अभी झाड़ू हो गया जी अपना बांस वाला झाड़ू तो यह हूँ लेके चलते हैं कार थोड़ी देर पहले और उस तो बाद जो ना जी ए बल्ब जोड़ा ना जी ए बल्ब यदि चूड़ी जी पिछु खुल गई जिसमें कि तुम देख ही सकते हो पहले भी टेप लगी हुई थी दरअसल इन्होंने पहले लगी होंगी एलफी लगी होंगी है या जो इन्होंने खोलो तो उसके बाद लूज हो जाते हैं तो दोबारा फिट नहीं आते। खैर हूँ जोड़ा ना जी ए एलफी पई है हमें एलफी की मदद नू फिक्स करा लाइट जी ना जी ए वाशरूम से लगी वैसे तो कमरे लाइट थोड़ी है टाइम लैप्स। जनाब तो बल्ब हो गया जी ठीक और हूँ यहाँ ट्रायल लेने चलता भी है या नहीं। वैसे ना मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद हो गया कि मैं लोहा एंड मैं एल सी जोड़िया जो लोहा जोड़ता नहीं है बस मैंने कई वीडियो के दौरान याद है मैं वही पुरानी टेप जल्दी मैं क्या चलो बार छोड़ दे दूँगा मैं क्या चलो पुरानी टेप लगा दें ताकि जरा वीडियो ऑडियशन ना आए और फिर एम एल हर वो काम करता कर गया उसे मैं फिर लगा दी अरे लोग ठीक हो गए कोई गल नहीं जुगाड़ चलते हैं इस तरह की लाइटें जो ना खराब हो कि बंदा ठीक करा करा के थक जाता है इन्हों के जुगाड़ सही रहते हैं बंदा खर्चा खरीद बार 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 खर्चे हो जाने बार बार खराब हो जाएंगे यह बेहतर इस तरह थोड़ा मोटा घर से जुगाड़ लगा लो। खैर हम ये चला के चेक कर लेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले लाइट इतने चला के देख लेंगे दुआ करो बल्ब लग गया है बाकी हम इज्जत रह जाए अपनी चला के चेक करते हैं या अल्लाह चल जाए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम यही बटन नहीं है उत्ते लाइट तो वैसे सिर्फ स्पार्क करती है एदा बटन केड़ा है या ओ वाह जी वाह जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह जी लड़का कामयाब हो गया पंखा बंद कर लें देखो वर्किंग से आ गई है। खैर ऐ हुई जिसे लगानी है उसे लगाने हैं तो बाकी मेरा दिल है यार ऐ वाला जो बल्ब है ना सेटिंग ऐ वाला बल्ब ऐ चला के चेक करते हैं वैसे तो यह चल नहीं रहा कोशिश करते हैं जी ट्राई शाई करते हैं मैंने ट्रिक का पता है जिद बल्ब चल जाते हैं लेकिन इस टाइम मेरे को काविया नहीं है जिंद मदद न बल्ब ठीक होने में काविया है सी लेकिन बस खराब हो गया मेरे को जो होंगे तो मिनट सही हो जाना जो मैं बड़े बल्ब सही किए ने किसी दौर से मेरी टोकरियाँ भरिया होनी खराब बल्ब मैं आप सही कर रहा थी लेकिन हूँ जो तो मैं यूट्यूब पर आया ना मेरा इस चीज़ तो ध्यान बड़ा घट हो गया। वैसे तो मैं उन्हें भी पिछले दिनों ब्लॉग से सही की
लेकिन हुन कम हो गया बहुत ज्यादा ते मेरी चीजा भी कम हो गई ने काफी ज्यादा इसी वजह से क्योंकि मैं हुन इंटरेस्ट नहीं लेंदा ज्यादा देर हुन मेरे को मोबाइल हुंदा या फिर स्कूल दा भी कम हुंदा तो पता है तब करके ना टाइम नहीं मिलता कि अपना काम करे शायद मैं ट्राई कर लेने बाकी लाइट और दिखा में देलो हो गई थी ते अंदर ते भी हुनी ट्राई मारने पसंद है मैं चिप खोली है ते पूरी लाइट ना 3-4 पॉइंट खराब ने ते एदा ठीक होना मुश्किल है ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਏ ਵਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਬਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਵੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚਿੱਪ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਲਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਝਟਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਝਟਕੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਬ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਚਿੱਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਚਿੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਬਚਾਏ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਅੱਛੀ ਵਾਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਚਿੱਪ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੀ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੰਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਲਾਈਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਲਾਈਫ ਬੜ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੈਰ ਹੁਣੀ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਸਟੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੁਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਸ਼ਤੂਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਪਾ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਤੂਤ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਏ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਤੂਤ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਤੂਤ ਨੇ ਵੈਸੇ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਖਾਏ ਨੇ ਸ਼ਤੂਤ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਸਕੂਲ 'ਚ 9 ਔਰ 10 9 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਆ ਸੀ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ 10ਵੀਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਖੂਬ ਖਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣੀ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣੀ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ ਔਰ ਟੇਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਤੂਤ ਹੈ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਤੂਤ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਬਈ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਇਸ ਦੁਆ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬੰਦ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਏ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਹਰ ਲਮਹੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਗਲਤ ਕਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇਲਮ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੈਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਖੈਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਵਾਉਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।